पंजाब कांग्रेस लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करके अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। सोमवार को पूर्व सांसद गुरचरण गालिब का परिवार, पूर्व ओलंपियन और आप नेता सुरेंद्र सोढ़ी कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन टिकट के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गेंद आला कमान के पाले में डाल दी है। पूर्व सांसद गुरचरण सिंह गालिब के पारिवारिक सदस्य, पूर्व ओलंपियन और आम आदमी पार्टी नेता सुरेंद्र सोढ़ी और तलवंडी साबो से बलबीर सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक लगातार मजबूत हो रही कांग्रेस को देखकर अन्य दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं पंजाब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए पूर्व हॉकी प्लेयर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इससे अकाली बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਗਾਲੀਅਤ ਔਰ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं को टिकट मिलेगी या नहीं, इस पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्थिति साफ कर दी। लोगों को हमने लिया है इनटू द पार्टी एंड इमीडिएटली गिवन टिकट्स। आई डोंट हैव टू गो फार, यू नो इन द लास्ट इलेक्शन हु फॉट इन बठिंडा, मनप्रीत बादल, हु फॉट इन इन तूरी, सिमरजीत सिंह बरनाला। सो दीज थिंग्स हैपन बट दैट डिसीजन इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स नॉट anybody here or mine or anybody else's। उन्होंने इस मुद्दे पर गेंद आला कमान के पाले में डाल दी है। कैप्टन कहते रहे हैं कि पार्टी में बिना शर्त नेता शामिल हो रहे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन्हें सरकार बनने पर एडजस्ट किया जाएगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सी मीडिया।